बहुत से लोग जो यूके मूव होना चाहते हैं या यूके मूव होने वाले हैं, अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि यूके में मेडिकल केयर प्रेगनेंसी के केस में कैसा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आफ्टर यू गेट प्रेग्नेंट और टिल डिलीवरी क्या प्रोसेस है यूके में और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू देसी कपल इन लंदन। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमें जब इस गुड न्यूज़ का पता चला तो हमने NHS की वेबसाइट देखी और NHS की वेबसाइट के थ्रू रीड किया कि क्या क्या प्रोसेस है। अब यहाँ पे कोई ऐसा जानकार तो नहीं था कि जिससे पूछा जा सके कि क्या प्रोसेस है या क्या करना चाहिए, तो लेकिन NHS की वेबसाइट की मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप भी उसको रेफ़र करें और उसमें पूरी जो डिटेल्स लिखी है, पूरा जो प्रोसेस लिखा है, वो एज़ इट इज़ वही फॉलो होता है। एटलीस्ट मतलब हमारे केस में तो एग्जैक्टली वही फॉलो हुआ। इसके अलावा कुछ फेसबुक ग्रुप्स भी थे जो मैंने ज्वाइन किए थे, जो आपको हेल्प करते हैं, कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं, अपना डिस्कस कर सकते हैं वहाँ पे। तो प्रेग्नेंट वुमेन का ग्रुप भी है, वो भी मैं आपको लिंक में डाल दूँगी, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में टोटल आपकी 10 अपॉइंटमेंट्स होती हैं और उसके अलावा 2 स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं यानी कि अल्ट्रासाउंड, प्लस कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। तो इन अपॉइंटमेंट्स में क्या क्या होता है और क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट, जैसे ही आप घर पे टेस्ट करें, आपको पता चले कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप सबसे पहले GP को इन्फॉर्म करें ताकि वो आपकी एंटीनेटल केयर यानी कि प्रेगनेंसी केयर प्लान कर सके। एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि अगर आप GP के अपॉइंटमेंट के लिए जब जाएंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपका दोबारा से टेस्ट करें। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें जो है फॉल्स पॉजिटिव बहुत रेयर ही आता है, तो जो आपका टेस्ट है वो वैलिड ही रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं होगा मोस्टली कि आपका कोई गलत आ जाए। हो सकता है अगर एक बार को नेगेटिव आए तो वो फिर भी एक बार को गलत हो सकता है, बट पॉजिटिव मोस्ट ऑफ द केसेस में सही होता है क्योंकि एक जो हार्मोन है वो आपका बन जाता है और वो वही डिटेक्ट करके आपका रिजल्ट देता है। तो इसलिए यूजुअली आपकी दोबारा जो टेस्टिंग है वो नहीं करेंगे। सबसे पहले जब आप GP के अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे, सबसे पहले आपका मिडवाइफ का अपॉइंटमेंट होगा बुक, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाएगा और ये अपॉइंटमेंट में आपका सारा आगे का प्रोसेस वहाँ से शुरू होगा। तो बेसिकली मिडवाइफ, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं मैं, मिडवाइफ जो है प्रेगनेंसी केयर में स्पेशलाइज होती हैं। बेसिकली नर्सेज ही होती हैं काइंड ऑफ, बट उनका मेन मतलब जो एरिया होता है या स्पेशलाइजेशन होता है वो इस चीज़ में होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिडवाइफ की अपॉइंटमेंट की। तो जब आपकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट होगी मिडवाइफ के साथ, उसमें आपसे काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि है आपके बारे में कि आप कहाँ रहते हैं, आपके क्या कहते हैं लिविंग कंडीशंस क्या है, पार्टनर की डिटेल्स भी पूछी जाएंगी कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या जो भी है, प्लस आपकी हेल्थ कंडीशंस के बारे में पूछा जाएगा, फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। लेट सपोज किसी को डायबिटीज़ है या किसी के मतलब पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को, इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी ताकि वो आपकी प्रॉपर केयर प्लान कर सके। इसके अलावा आपका हाइट, वेट ये सब चेक किया जाएगा ताकि आपका बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट हो पाए, उसके अकॉर्डिंग वो प्लान कर पाएँ कि आपकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए प्रेगनेंसी में। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ओवरवेट ऑलरेडी हैं तो आपको डबल ट्रिपल खाना है तब भी, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको हेल्दी ईटिंग रेकमेंड करेंगे। इसके अलावा इस अपॉइंटमेंट में आपका ब्लड टेस्ट होगा और आपका BP वगैरह भी चेक होगा। इसके अलावा आपका यूरिन टेस्ट भी होगा जिसमें आपका वो प्रोटीन लेवल चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपकी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट में हो जाएगी जो कि है 10 वीक्स पर। तो जो आपका फर्स्ट स्कैन होगा वो अराउंड 8 to 12 वीक्स के बीच में होगा। मिडवाइफ आपका जो अपॉइंटमेंट है वो आपको बता देगी कब है स्कैन का अपॉइंटमेंट। फर्स्ट स्कैन में बेसिकली चेक होता है कि जो आपका बेबी है वो नॉर्मली ग्रो कर रहा है और उसका वेट वगैरह कैलकुलेट होता है, प्लस आपकी ड्यू डेट भी उस टाइम पे री इवेलुएट होती है और उसकी हार्ट बीट्स भी चेक की जाती हैं कि बेबी की हार्ट बीट सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम की कंडीशंस अपने बेबी में चेक करवानी है या नहीं। तो उसके लिए आपकी मर्ज़ी है, आप ऑप्ट इन भी कर सकते हैं, ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। तो वो आपसे पूछेंगे कि आर यू इंटरेस्टेड इन दिस कम्बाइंड स्क्रीनिंग, तो वो आप बता सकते हैं उस टाइम पर। मेरे केस में जो स्कैन हुआ था उसके बारे में बता देती हूँ कि जो भी वो टाइम आपको देते हैं वो उसी टाइम पे मोस्टली होता है, हार्डली आपको 10 to 15 मिनट्स वेट करना होता है, कोई ज़्यादा वेट नहीं होता उसमें। तो टाइम पे अपना अपॉइंटमेंट में पहुँचिए। प्लस अंदर जाने के लिए पहले सिर्फ मदर ही अलाउड होती है, जब स्कैन स्टार्ट होता है तो ही आप अपने हस्बैंड को अंदर बुला सकते हैं, तभी वो स्कैन होते हैं वो। लेकिन कोविड के दौरान ये सिचुएशन थी, उस टाइम पे कोविड के वजह से ऐसा किया गया था रिस्ट्रिक्शंस, तो अब हो सकता है वो रिस्ट्रिक्शंस हट गई हों।
12 वीक्स के स्कैन के बाद जो आपकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होती है वो होती है 16 वीक्स पे। इस अपॉइंटमेंट में आपका बीपी चेक किया जाता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, कोई भी अगर ब्लड टेस्ट पहले हुआ है या स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है उसका आपका रिजल्ट्स डिस्कस होते हैं। और 16 वीक्स से आपको वूपिंग कफ का वैक्सीन भी जो है ऑफर किया जाता है, तो वो यहाँ पे प्रेगनेंसी में लगाया जाता है, एक फ्लू वैक्सीन और एक वूपिंग कफ का वैक्सीन। और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप एनीमिक हैं तो आपको आयरन सप्लीमेंट्स भी इस अपॉइंटमेंट में रेफर किए जाते हैं। के बाद जो आपका नेक्स्ट स्कैन होता है वो होता है 18-20 वीक्स के बीच में। और इस सेकंड स्कैन में बेसिकली सारे जो पार्ट्स हैं बेबी के वो देखे जाते हैं कि प्रॉपर ग्रो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो सारा डिटेल्ड स्कैन होता है सारे बॉडी पार्ट्स का, वो साइज़ और ये सब चीज़ें आपके रिजल्ट में मेंशन करते हैं। उसके अलावा आपके ड्यू डेट भी कई बार रिवाइज हो सकती है बेबी के ग्रोथ के अकॉर्डिंग। प्लस इस स्कैन में आप जेंडर रिवील भी करवा सकते हैं, आपको अगर रिवील नहीं कराना तब तो आप मिडवाइफ से भी बोल सकते हैं कि आपको ऐसे लेटर में वो लिख के दे, तो जेंडर जिसको जानना है वो ये चीज़ें भी पूछ सकते हैं मिडवाइफ से, वो आपसे स्टार्ट ऑफ द स्कैन पे पूछेगी, तो मेक श्योर कि आप इस आंसर के लिए प्रिपेयर होके जाएं कि आप जेंडर जानना चाहते हैं कि नहीं। तो सेकंड स्कैन के बाद आपकी जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होती है वो होती है 25 वीक्स, 28 वीक्स एंड 31 वीक्स। अब इन तीनों अपॉइंटमेंट को मैंने इकट्ठे इसलिए बताया क्योंकि इन तीनों अपॉइंटमेंट्स में आपके जो प्रोसेस है वो सेम ही फॉलो होता है। तीनों अपॉइंटमेंट्स में आपका बीपी चेक होगा, आपका यूरिन टेस्ट होगा प्रोटीन के लिए, और आपके यूट्रस का साइज़ मेजर किया जाएगा टेप से। तो मिडवाइफ्स के पास एक टेप होती है मेजरमेंट, जिससे कि आपका बेबी का साइज़ चेक किया जाता है कि वो नॉर्मल ग्रोथ है कि नहीं। तो यहाँ पे वो एक्सपीरियंस होता है मिडवाइफ्स को कि वो उस टेप के थ्रू ही चेक करके बता देती हैं, बहुत ज़्यादा स्कैन्स नहीं होते, ये रिकमेंड नहीं करते, आप प्राइवेट स्कैन्स करवा सकते हैं। बट यहाँ के NHS के प्रोसेस में सिर्फ टोटल 2 स्कैन्स होते हैं जो अब तक जो 20 वीक्स तक हो चुके होते हैं, उसके बाद सिर्फ टेप यूज़ की जाती है मेजर करने के लिए बेबी का साइज़। और अगर कुछ भी डाउट होता है मिडवाइफ्स को कि एज़ पर एक्सपेक्टेशन ग्रोथ नहीं हो रही, उस केस में आपको एक और स्कैन के लिए रेफ़र किया जाता है। तो इन दैट केस जहाँ पे ग्रोथ प्रॉपर नहीं लग रही या फिर ओवर ग्रोथ लग रही है, उस केस में एक और स्कैन रेफ़र किया जाता है। तो जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होती है वो 34 वीक्स पे होती है, और इसमें आपका सारा बर्थ प्लान डिस्कस होता है। आपको ऑप्शंस दी जाती हैं कि आपको कहाँ पर डिलीवरी करानी है, नॉर्मल लेबर रूम में या फिर वाटर बर्थ या फिर होम बर्थ। होम बर्थ यूजुअली फर्स्ट प्रेगनेंसी केस में ऑफर नहीं किया जाता है, तो या तो वो आपका नॉर्मल लेबर रूम होगा या फिर वाटर बर्थ, आप चूज़ कर सकते हैं। बाकी आपकी मेडिकल कंडीशन और बेबी किस तरीके से है, किस पोजीशन में है, क्या क्या ग्रोथ है, वो सारी अपने अपना हेल्थ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, और मिडवाइफ उसके अकॉर्डिंग ही आपको रेकमेंड करती है कि आपको कौन सी अप्रोच चूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा आपको पेन कैसे रिड्यूस करनी है लेबर के टाइम पे, उसके भी ऑप्शंस बताए जाते हैं। प्लस ये सारे ऑप्शंस NHS पे अवेलेबल भी हैं, तो आप इसके बारे में रीड करके जा सकते हैं और उसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको लगता है, जैसे कि एपिड्यूरल और एयर एंड गैस और ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा इसमें से पेन किलर यूज़ करना है लेबर के टाइम पर। फिर नेक्स्ट जो अपॉइंटमेंट होती है आपकी वो 36 वीक्स पे होती है, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ब्रेस्ट फीडिंग की, न्यूबॉर्न केयर की, अपनी केयर की, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इसके जो भी मैंने आपको पहले बताया था टेप मेजर बीपी यूरिन, ये आपका सारी अपॉइंटमेंट्स में सिमिलरली ये प्रोसेस फॉलो होगा 36, 38, 40, 41 वीक्स तक। और 41 वीक्स तक भी अगर आपका लेबर नहीं हुआ है तो आपको ऑप्शंस दी जाएंगी जैसे कि मेम्ब्रेन स्वीप या फिर इंडक्शन की, तो यहाँ पर अगर आपका लेबर खुद से नहीं हुआ है तो वो इंडक्शन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका फर्दर प्रोसेस होगा, आपको एडमिट किया जाएगा। तो यही था NHS का सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो यहाँ पर फॉलो होता है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ पर। व्हेन आई वाज अबाउट टू कंप्लीट 34 वीक्स मेरा जो बीपी है वो शूट कर गया था, उसके कारण मैं गई हॉस्पिटल में चेकअप कराने कि एक बार आई थिंक चेकअप करा लेना चाहिए उसकी वजह से। बट लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि जो बीपी था वो बढ़ता ही जा रहा था, एंड ड्यू टू विच आई हैड टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। तो उस केस में वी हैड नॉट प्लान्ड एनीथिंग, हमने कुछ डिस्कशन नहीं किया था क्या बर्थ प्लान होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, सब कुछ इंस्टेंटली अपने आप ही हो रहा था। इनिशियली उन्होंने कोशिश की थी कि नॉर्मल डिलीवरी की जाए, बट ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लिकेशंस वी हैड टू ऑप्ट फॉर सिजेरियन सेक्शन, एंड देन देयर वॉज कियान क्राइंग, दैट वॉज द बेस्ट मोमेंट ऑफ अवर लाइफ्स।
तो NHS की जो केयर थी वो काफ़ी अच्छी मिली मुझे भी. उन्होंने काफ़ी अच्छे से मॉनिटर किया, काफ़ी नर्सेज अवेलेबल थी, डॉक्टर्स आ रहे थे चेकअप करने जब मैं एडमिटेड थी. तो वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से हुई. और जब कियान 34 वीक्स पे हुआ, ये प्री मेच्योर बेबी था, तो इसकी भी आफ्टर केयर काफ़ी अच्छी हुई. प्रॉपर मॉनिटरिंग की उन्होंने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है उस चीज़ की. तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से फॉलो हुई. लगभग आई थिंक 1 वीक मैं थी हॉस्पिटल में एंड ही वॉज देयर फॉर 18 डेज. तो वो पूरा प्रोसेस मतलब NHS के ऊपर था, जो उन्होंने अच्छे से एग्जीक्यूट किया और काफ़ी अच्छे से केयर की. कोई भी एक्सपेंस नहीं हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कि NHS फ्री एट सोर्स है, तो किसी भी तरह का एक्सपेंस नहीं हुआ, जो कि एक यहाँ की एक अच्छी बात है मेडिकल सिस्टम की. और सब कुछ केयर मेरे केस में तो एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और सब कुछ सही से फॉलो हुआ. तो यही था मेरा एक्सपीरियंस. होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो. अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा एंड शेयर ऑल्सो एज मच एज यू कैन, सो दैट दिस वीडियो कैन हेल्प एंड रीच आउट टू अदर्स. आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई ज़रूर करूँगी. मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.